अब गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद अहलान इस्लाम को वॉइस ऑफ गुलबर्गा की जानिब से दी जाती है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी पूरी दुनिया में इस तरीके से मनाई जाती है, मसाजिद हो या मोहल्ले हो या घर हो, इन तमाम को सजाया जाता है। एक शेर ज़रूर अर्ज करूँगा, सरकार के औसाफ़ का इजहार करेंगे, सरकार के औसाफ़ का इजहार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। सरकार की तौसीफ वजीफ़ा है जुबा का, ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे। जाओ जो मदीना तो सुनो कान लगाकर, सरकार की बातें दरो दीवार करेंगे। आज हम ताज नगर मुस्लिम इलाके में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है, यानी उसकी तैयारी की जा रही है। जब भी 12 रबी अव्वल के महीने के करीब, जब भी 12 रबी अव्वल का महीना करीब आता है तो लोग ईद की तैयारी इस तरीके से करते। इसी तरीके से हम मुस्लिम संघ में मौजूद हैं। यहाँ के नौजवान लगभग 8 साल से ये काम, ये खिदमत अंजाम देते हैं। मैं बिलखसूस वॉइस ऑफ गुलबर्गा की जानिब से उस रजवी ग्रुप को मुबारकबाद देता हूँ जो लगातार मुसलसल 8 सालों से ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कई कई तरीक़े से बनाया जाता है। तो आज हमारे साथ रजवी ग्रुप के चंद जिम्मेदारों से पूछा जाएगा कि किस तरीके से वो मेंटेनेंस करते हैं। ताज नगर मुस्लिम इलाके में आज मौजूद हैं जो रजवी ग्रुप के जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हम रजवी ग्रुप के जो जिम्मेदार हैं मोहम्मद अहमद को वॉइस ऑफ गुलबर्गा की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तमाम लोगों को। हमारे रजवी ग्रुप के तरफ से जो है ना ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे पहले जो है ना हमारे सैयद नईम रजवी रजवी साहब को जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं, जो हमारे ग्रुप को जो है ना जो चैनल पे दिखाना चाहे। आप ये बताइए कि लगातार आप मुसलसल 8 सालों से ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी शुरुआत आपने किस तरीके से की है? इसकी शुरुआत जो है ना हम फर्स्ट 6 लोग मिलके किए थे, उसके बाद हम अलग अलग मॉडल्स काढ़े, उसको बनाते गए, अच्छा करते गए, जो सभी देख के हमारे दोस्त लोग सभी मिल के आज हमारा बड़ा ग्रुप हो गया, 40 लोग का ग्रुप हुआ, सभी अच्छे अच्छे मेंटेन करके अच्छे अच्छे मॉडल बना के काढ़ते हैं। अब हमें ये बताइए कि ये जो 8 साल से मुसलसल आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका टोटल खर्च कितना होता है? इसका खर्च टोटल लगभग होगा 30 से 35 हज़ार तक होगा। तो 30 से 35 हज़ार का इसका खर्च बता रहे हैं, तो आप 30 से 35 हज़ार पे इसको भर्ती कैसा करते हैं, 30 से 35 हज़ार मैनेज कैसा करते हैं आप? ये जो है ना हमारे ग्रुप में सभी मिलके डालते थोड़े पैसे, और उसके अलावा जो है ना रजवी ग्रुप के जो पूरे मेंबर मिलके डालते, और इसके अलावा जो हमारे लीडर्स हैं लीडर्स कन जाते, और जो हमारे एरिया के जिम्मेदार हैं जो बड़े जिम्मेदार हैं उनके लिए उनके पास जाते, सभी का तावन रहता है। बहुत खुशी की बात है कि जब ऐसे नौजवान ऐसे कामों में आगे बढ़ते हैं तो एरिया के जिम्मेदार अगर सपोर्ट करें या एरिया के जिम्मेदार अगर साथ दें तो यकीनन इनके काम में आसानी पैदा होगी। अच्छा ये बताइए, ये जो माल मेटल आप ख़रीदते हैं तो कहाँ से लाते हैं और कहाँ से ख़रीदते हैं आप? ये जो माल मेटल लाते हैं हम हैदराबाद से लाते हैं, हम जो चंद जिम्मेदार जो 4 लोग हैं जाकर हैदराबाद से ख़रीद के सामान ला लेते हैं। अच्छा हमें ये बताइए, ये जो जैसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर मोहल्ले में हर इलाके में ऐसे मॉडल्स बनाए जाते हैं, अच्छा ये बताइए कि इसकी शुरुआत आप कब करते हैं, कितने दिन पहले आप इसकी शुरुआत करते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इसकी शुरुआत हम करते हैं लगभग 15 दिन पहले, कि हमारे पूरे भाइयों दोस्तों हमारे जो ग्रुप के मेंबरशिप है तो जिम्मेदार वो सब मिलके 15 दिन में क्लियर करते हैं, मस्जिदी जगह बना के लेके जाते हैं। अच्छा ये बताइए, ये काम 15 दिन पहले आप बता रहे हैं कि 15 दिन पहले आप इसकी शुरुआत आप करते हैं, अच्छा ये बताइए कि दिन रात मिलकर काम करते हैं या दिन में काम करते हैं या रात में काम करते हैं?
दिन में तो सब जने काम पे जाते हैं और रात के टाइम पे क्या है, वक्त काट के दो दो घंटे तीन तीन घंटे इसमें भी वक्त बिगाते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो रजवी ग्रुप पूरे जो आपका जो रजवी ग्रुप है वो पूरा मिलकर पूरा मुकम्मल होने तक क्या आपको सपोर्ट करता है या आपको साथ देता है? पूरा साथ देते हैं बिल्कुल, लास्ट फर्स्ट से पकड़ के लास्ट तक पूरा साथ देते हैं। अच्छा हमें ये बताइए जिस तरीके से आप पीछे देख सकते हैं कि इस ये मस्जिद को बनाया गया है, तो आप इसका मॉडल यानी ये आपके जहन में आता कहाँ से है? और नए नए हमने देखा है 8 साल के अरसे में हर एक साल नए नए चीज़ों को बनाए दिया जाता है, आप वो चीज़ें नए लाते कहाँ से हैं? हमारे जो रजवी ग्रुप के जो भाई लोग हैं, भाई हैं जो जिम्मेदार हैं रजवी ग्रुप के, जो रजवी ग्रुप के जिम्मेदार हैं वो सब हमारे भाइयों को तस्वीर काटते हैं मस्जिदों की लाइट लाइन इस पर अभी पास बोलो तस्वीर रखो फोटो फोटो काटते हैं शुरू हमारे जो हमारे रजवी ग्रुप है वो जो फोटो काटते हैं सब जने दो दो जने दो 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 फोटो काटते हैं जो किसके लाइक किसके इसमें पसंद आया वो फोटो पसंद करके बनाते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर है कि सबके राय मशवरे से ये काम होता हुआ नज़र आता है, ऐसा ही साथ दे जाए हमेशा, जैसे जुलूस बनाते हैं हमेशा के लिए सही साथ दे तो और हमारे को भी जज्बात चढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं मेरे दोस्तों से गुजारिश के मेरे दोस्तों को बोलना चाहता हूँ कि हर साल मेरा साथ दें और यहाँ के जितने साथ में बढ़ते उठते हैं तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लोगों को खास करके रजवी ग्रुप को और तमाम जो हमारी व्यूवर्स देख रहे हैं वैसे गुलबरगा के नाज़िम को रजवी ग्रुप की जानिब से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या बोलना चाहता हूँ? मैं जो है ना यही बोलना चाहूँगा कि सभी मिलके जो है ना सरकार जो दो आलम का जो है ना मेलाद मनाना चाहिए। हमारे सभी ग्रुप की तरफ से सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जो मैं हमारे सभी दोस्त को जो है ना मुबारकबाद देता हूँ कि हम जब झांकी बनाना चालू करते हैं जब तक एंडिंग तक सभी साथ में रहते हैं बहुत खुशी होती है, करने में दिलचस्पी आती है कि ऐसे दोस्त साथ में रहने के बाद।